ऑलमोस्ट 5:30 बजने वाले हैं और 6 बजे मुझे उठना है, तो मुझे पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ। मेरा बैग रेडी है, मैं रेडी हो चुकी हूँ अब एयरपोर्ट निकलने के लिए और मैं बिल्कुल भी पूरी रात सोई नहीं हूँ। मेरी फ्लाइट है हैदराबाद के लिए और ये एक वर्क ट्रिप है, तो मुझे पूरा दिन मेरा आज बहुत हैक्टिक होने वाला है, तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगी। मुझे अभी से हेडेक स्टार्ट हो चुका है। अब मैं पहुँचने वाली हूँ एयरपोर्ट, रायपुर एयरपोर्ट, और रायपुर में हम एंटर कर चुके हैं और टाइम से थोड़ा पहले ही पहुँच गई हूँ और सोई तो मैं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है और बहुत ज़्यादा ही हेडेक हो रहा है, तो बस चेक इन करने के बाद मैं वेटिंग एरिया में अपने गेट के पास बैठ गई थी। ये रायपुर एयरपोर्ट है और ये काफ़ी एक छोटा सा एयरपोर्ट है बट अच्छा एयरपोर्ट है। ये मेरा क्विक सा आउटफिट एंड हेयर चेक, एकदम परफेक्ट। लकीली मुझे विंडो सीट भी मिल गई थी तो मस्त व्यू एंजॉय किया मैंने रास्ते भर। मैं पहुंच गई हूँ अभी हैदराबाद, अभी लैंड हुआ है मेरा फ्लाइट और अब यहाँ से मैं कैब लेके अपना होटल जाऊँगी। ये हैदराबाद एयरपोर्ट, मैं बहुत देर से अपना बैग का वेट कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है, सबका आ जा रहा है बस मेरा ही नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो देर हो गई है। देखो 7-8 बार ये घूम लिया गोल गोल और मेरा बैग अभी तक नहीं आया है, ऑलमोस्ट सबका आ गया है। एयरपोर्ट से मैंने बस ले लिया था एसी बस, क्योंकि कैब्स बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो रही थी और एसी बसेस चलती है जो कि अच्छा कम रेट में चलती है। और आती मेरी बारिश शुरू हो गई थी हैदराबाद में, ये हम लोग हाईटेक सिटी एंटर कर लिए थे, हार्डली मुझे 1.5 घंटा लगा होगा अपने होटल पहुँचने तक। तो अच्छा, अगर कैब आपको एक्सपेंसिव लग रहा है तो आप भी बसेस ले सकते हैं, अच्छा था। ये है आज का मेरा स्टे, रूम थोड़ा छोटा है बट ठीक है, अच्छा है, मतलब क्लीन है, फ्रिज भी है, मिरर है, सब है और वॉशरूम भी अच्छा है। इसका प्राइस 3000 अप्रॉक्स पड़ा है, वॉशरूम भी क्लीन है। काम के बाद मैंने सोचा थोड़ा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो पास में ही आइकिया था, मैं वहाँ चली गई और बहुत ही सुंदर था। मैं फर्स्ट टाइम आइकिया गई थी, यहाँ पे सारे ऐसे सेटअप्स रहते हैं, सारा होम फर्निशिंग होम डेकोर टाइप का आइटम रहता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ देख के लग रहा था ले लो। ये ब्लैक वाला रूम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, ऐसा मन हो रहा था एकदम ही ले ही लेते करके, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं थर्ड वेव कॉफ़ी चली गई कुछ खाने के लिए, और पीने के लिए मैंने सोचा कुछ और टिम हॉर्टन्स चले जाती हूँ, तो मैं टिम हॉर्टन्स भी चली गई थी। नेक्स्ट डे भी मुझे टाइम मिला था तो मैं चार मीनार चली गई थी। अब हैदराबाद आए तो चार मीनार तो घूमना बनता है ना, तो मैं दिन में ही चली गई थी, काफ़ी धूप था उस टाइम बट काफ़ी अच्छा विजिट रहा मेरा। उसके बाद मैंने सोचा कुछ खा लेते, तो फिर से मैं फूड कोर्ट पहुंच गई थी खाने के लिए, मैं बार बार खाती रहती हूँ। रात को मैंने सोचा था हुसैन सागर लेक चले जाते तो उसके ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई थी, यही क्लिप था और इसी से मेरा जर्नी एंड होता है। फिर फाइनली मैं वंदे भारत से रिटर्न हो रही थी, तो मेरे कुछ मील्स थे वहाँ और थोड़ा व्यू था जो काफ़ी अच्छा था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू।